नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। जितना जरूरी हो तो ही बाहर जाना, नहीं तो मम्मी पापा को बोल देना। और अगर बहुत जरूरी है बाहर जाना तो यू शुड ऑलवेज टेक केयर दैट यू आर गोइंग विथ योर मास्क। यू हैव टू वेयर योर मास्क ऑल्सो। और टाइम टू टाइम जूस फ्रूट सब लेना है। अपने खाने पर भी पूरा ध्यान रखना है। और पढ़ाई कैसी चल रही है? खुद की मेहनत से किया? पढ़ाई हो कि कमाना हो, सब अपनी कमाई का अच्छा लगता है ना। हमारा मन क्या होता है? प्रसन्न होता है, आनंद आता है। अच्छा मैम जी, आप तो टॉपिक पे आ ही गए। हाँ, अपनी कमाई आपने रीड किया लास्ट वीडियो में? हमने रीडिंग किया था पूरा, इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया, ठीक है ना। क्या चैप्टर है? अपनी कमाई। तो बच्चों आज इसी का ही हम लोग करेंगे वर्कशीट रीडिंग। So, are my students ready for the worksheet reading? Are you ready with your notebook and textbook? आप चाहें तो मेरे साथ साथ में आप उत्तर लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट रीडिंग, जिसका टॉपिक है पार्ट 12 अपनी कमाई। पहला है समान आर्थिक शब्द लिखो, यानी कि सेम मीनिंग वाले आपको शब्द लिखने हैं। समुद्री अगर आप चाहें तो टिक मार्क कर सकते हैं। इट्स ऑन पेज नंबर 71। कैन यू सी बेटा? यस, ओके। ये है समुद्र से जुड़ा, समुद्री यानी समुद्र से जुड़ा। दूसरा है संदूक यानी कि बक्सा, जिसे आप अटैची बोलते हो ना, पुराने जमाने में उसको बोला जाता था संदूक। तीसरा है व्यापार यानी कि जिसको आप बोलते हो ना बिजनेस, उसको हिंदी में बोला जाता है व्यापार अथवा कारोबार। तो इसका समानार्थी शब्द होगा कारोबार। चौथा है हिम्मत यानी कि साहस। अशर्फी क्या बताया था मैंने, जिसको आप ओल्ड कॉइन बोलते हो ना, उसको पुराने जमाने में बोला जाता था अशर्फी। क्या बोला जाता था? अशर्फी। उसका है अर्थ सोने का सिक्का। क्या बोलेंगे आप? सोने का सिक्का। जुटाई, इसका मतलब है बटोरी। मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने साहस बटोरी, ठीक है। दूसरा है सोचिए और बताइए। आपका पहला प्रश्न इसमें है अमीर आदमी ने अशर्फी और रुपया कुएं में फेंकने के लिए क्यों कहा? क्यों व्यापारी ने अपने बेटे को कहा कि जाके अशर्फी को फेंक आओ? क्योंकि वह परीक्षा लेना चाहता था। किसकी? अपने बेटे की। के लिए जो उसने कमाया है, ये उसकी अपनी कमाई है या अथवा इसने किसी से मदद लिया है, तो वो परीक्षा हेतु करना चाहता था, इसलिए उसने अमीर आदमी ने अपने बेटे को बोला कि जाके अशर्फी को फेंक दो। दूसरा है अमीर आदमी के बेटे ने 5 रुपए कुएं में क्यों नहीं फेंके? बताओ, आपने तो चैप्टर रीड किया है, आपको आता है क्यों नहीं फेंके? क्योंकि उसे रोना आ गया, क्योंकि वह उसकी खुद की कमाई थी। उसने ये अपनी हिम्मत जुटाकर 5 रुपए कमाए थे, पसीना बहाकर, ये उसने खुद की कमाई के पैसे थे, इसलिए उसने ये 5 रुपए कुएं में नहीं फेंके। तीसरा है अमीर आदमी ने पत्नी और बेटी से पैसे देने के लिए क्यों मना कर दिया? क्यों? क्योंकि वह अपने बेटे को अपनी मेहनत अपने बलबूते पे कमाना सिखाना चाहता था, ताकि वह अपना कारोबार अपना व्यापार अपने बेटे को सुपुर्द कर सके, मतलब कि सौंप सके। इसलिए अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को क्या मना कर दिया? पैसे देने से मना कर दिया। एक दिन अमीर आदमी ने अपने बेटे को बुलाकर क्या कहा? एक दिन अमीर आदमी ने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि जाके आज कुछ कमा कर लेकर आओ, अन्यथा तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। सेब का संदूक उठाने पर लड़के का क्या हुआ? लड़के को क्या हुआ जब उसने सेब का संदूक उठाया? वो
पसीने से लथपथ हो गया, उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसे पानी की प्यास की वजह से उसका गला सूखने लगा। तो ये हालत हुई जब उसने अमीर आदमी की संदूक उठाई। पिता ने अपने बेटे को क्या सौंप दिया और क्यों? पिता ने अपने बेटे को पूरा का पूरा कारोबार सौंप दिया और क्यों? क्योंकि वह अभी बूढ़ा हो चुका था और वह खुद से व्यापार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना पूरा का पूरा व्यापार अथवा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? Yes, ये आप चाहें तो टिक कर सकते हैं। That is on page number 71, last line of this chapter, आखिरी लाइन जो इस पार्ट की है, जो कि लिखा हुआ है सी। इस कहानी से, इस पार्ट से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है। मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है, उसका एक अलग ही महत्व होता है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, बहुत सारे शब्दों के लिए सिर्फ एक ही शब्द लिखना। उसके पिता व्यापार करते हैं, वे डैश हैं, मतलब कि व्यापारी हैं, वो कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनको बोला जाता है व्यापारी। मेरी माँ कम खाती है, वे डैश हैं, बताओ। आपको मैंने समझाया था ना, आप जाने तो टिक कर सकते हैं। इट इज ऑन पेज नंबर 72। ये प्रश्न है एक। रेखांकित शब्दों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। माँ, मेरी माँ कम खाती है, वे डैश हैं, वह अल्पहारी है। सुदर्शन जी कहानी लिखते हैं, वे डैश हैं, मतलब कि क्या है वो? कहानी लिखते हैं, स्टोरी राइटर हैं, तो आप उनके लिए लिखेंगे। ये रहा उत्तर कहानी का। क्या लिखेंगे आप? कहानी का। लड़के में बहुत बल है, वह डैश है, वह बलवान है। वह बहुत मेहनत करता है, उसे सब डैश कहते हैं। वह बहुत मेहनत करता है, उसे सब क्या बोलते हैं आप बताइए? उसे सब मेहनती बोलते हैं। जो खूब मेहनत करता है ना, उसे मेहनती बोला जाता है, ठीक है। महीनों के नाम लिखिए। आपको पता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपको इसमें सॉरी बेटा, चौथे प्रश्न में आपको लिखना है महीनों के नाम। 12 महीनों के नाम इधर आपको लिखने हैं। दिए गए वर्गों के लिए तीन नाम लिखिए। नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है? हिंदी, गुजराती, मलयाली, तेलुगु, तमिल। तो आपको किन्हीं तीन के नाम लिखने हैं, ठीक है? गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, और नदियों के नाम भी तीन ही लिखने हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, जो भी आप इनमें से छांटकर लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उनके तीन तीन नाम, ठीक है बेटा। तो ये था आपका वर्कशीट पार्ट 12 के ऊपर अपनी कमाई, ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पूरा का पूरा वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इसे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटबुक में ही अपडेट करेंगे, और जब भी आप पीटीएम में आएंगे तो आप ये कॉपी मेरे से चेक करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बच्चों, मुस्कुराते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, नमस्कार बच्चों।